भारी विरोध के बीच फिल्म पद्मावत आज रिलीज हो गई। विरोध को देखते हुए इलाहाबाद के सिनेमाघरों ने फिल्म को ना दिखाने का नोटिस लगा दिया है। आज फिल्म के पहले शो को देखने दर्शक जब इलाहाबाद के पीवीआर पहुंचे तो उनको मायूसी हाथ लगी। पीवीआर में फिल्म नहीं दिखाए जाने के बावजूद भी मॉल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। फिल्म पे ऑनलाइन टिकट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो ये लोग बता रहे हैं कि मतलब फिल्म आज सिनेमा हॉल बंद है और फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। भैया बंद है भैया। कारण इन्होंने ये बताया है कि बवाल होने के चांसेस हैं, इसलिए हॉल बंद है। लेकिन जब CBFC से सर्टिफिकेट मिल गया है तो आप क्यों इतना मतलब वो कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है, तो मेरे हिसाब से गलत है। फिल्म रिलीज होनी चाहिए और दिखाना चाहिए। भाई मुझको तो अभी यहीं गेट पे पता चला कि आज बवाल होने के यहाँ चांसेस हैं, इस वजह से पिक्चर नहीं दिखाई जाएगी आज। टिकट मैंने कल रात में बुक कर लिया था। सारे शो के ऑनलाइन टिकट बुकिंग स्टार्ट थी उस वक्त, और 500 रुपये का मैंने टिकट बुक किया हुआ है, और अभी मैं कितना काम छोड़ करके आ रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया हुआ है कि यह फिल्म रिलीज़ होगी। और जिसको भी इस पिक्चर से प्रॉब्लम है, भाई एक बार पिक्चर देखे और उसके बाद अपना जो है अपना विरोध दर्ज कराए, ये तरीका है। वहीं सिनेमा घर मालिकों के मुताबिक आज के सभी शो को रद्द कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शन खत्म होने और माहौल सामान्य होने तक फिल्म का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पूरे देश में पद्मावत फिल्म को रिलीज किया गया है, लेकिन करनी सेना की धमकी के बाद लोगों में फिल्म को लेकर उत्साह कम देखने को मिल रहा है। न्यूज़ ब्यूरो।